नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंद्री में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस भी पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। बीते शुक्रवार को अज्ञात बदमाशों ने एक कोठी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ था। पुलिस लगातार इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई थी। आज सुबह एसटीपी और पुलिस को सूचना मिली कि पश्चिमी यमुना नहर पर दो अज्ञात युवक हथियारों से लैस किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही इंद्री पुलिस और एसटीपी की टीम ने बदमाशों को घेर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली, जिसमें दो गोली पुलिस कर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों बदमाशों की टांगों पर गोलियां मारी और उन्हें काबू कर इंद्री के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने दोनों बदमाशों को करनाल के कल्पना चावला में रेफर कर दिया। सीन ऑफ क्राइम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। डीएसपी सोनू नरवाल ने बताया कि दोनों बदमाश सुमित कैथल और साहिल शाहबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंद्री से हमारे संवाददाता करण शर्मा की रिपोर्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मामला था? देखिए, आज हमारी टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो इंद्री में कुछ दिन पहले फायरिंग हुई थी, उसके संबंध में दो युवक आज इंद्री नहर पटड़ी पर मौजूद हैं। जो हमने इस इन्फॉर्मेशन पर तुरंत 112 को कॉल की और बताया कि ऐसे ऐसे करके मौके पर और फोर्स भिजवाई जाए ताकि कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा सके। जब हमारी टीम नहर पटड़ी पर पहुंची तो वहां दो युवक उलिया के मुताबिक दिखाई दिए, जो मुखबर ने बताया था। तो उन्होंने जैसे अपनी पहचान बताकर उनको रोकने की कोशिश करी, उन्हें तुरंत पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। तो पुलिस ने बचाव करते हुए उनकी फायरिंग दो हमारे मुलाजिम के बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी है। तो उनको हिदायत देते हुए हमने फिर उनको काबू किया और उनके बाद जो इस पकड़ने के ऑपरेशन के दौरान के दो युवकों के पैर में गोली लगी है, जिनको तुरंत हॉस्पिटल में भिजवाया गया। तो कौन से ग्रुप के लारेंस ग्रुप? अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर। तो और भी कोई इसमें किसी का? अभी तफ्तीश करेंगे इसके बारे में। तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया है? अभी करेंगे गिरफ्तार, अभी हॉस्पिटलाइज कराया उनको इलाज के लिए। हाँ, दोनों के पास दो वेपन बरामद हुए। दो वेपन बरामद हुए। अभी कर रहे हैं, सर्च चल रहा है, सर्च ऑपरेशन। सुबह दो बदमाश थे, साहिल और सुमित, जो कि हमारी पूछताछ में आया कि बाइक लूटने की फिराक में थे सुबह सुबह। और हमारी एसटीएफ को टीम को भी पता चला। जो एसटीएफ टीम ने यहाँ राउंड अप किया तो उन्होंने एसटीएफ टीम पे फायर कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उनको दो इंजर्ड हो गए और जो हॉस्पिटल में हमने भेज दिया। तो मामला कल पहले भी है कि फास्ट फूड के हॉस्पिटल ही? हाँ, ये पहले भी आपने चांद उपल के जो घर पे फायरिंग हुई थी वो इन्हीं ने की थी। तो किस समय की वारदात है ये? ये आज सुबह की बात है। कहाँ के रहने वाला है सर ये? ये जो साहिल है वो शाहबाद का है और जो सुमित लड़का है वो कैथल से। बैकग्राउंड क्या है सर इनको? कभी ना अभी ये देखो पूछताछ में और इतनी ज्यादा नहीं हुई है, जो भी पूछताछ में आ जाएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो कितने राउंड फायर हुए? अभी लगभग उन्होंने 4 राउंड फायर किए। हाँ, जवाबी कार्रवाई में हमारी एसटीएफ टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको फायर किया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।